दोस्तों 45 दिन का टाइम लगता है जो रिज़ल्ट है उसको आने में, उसकी प्रक्रिया पूरी होने में दोस्तों 45 दिन का समय लगता है। और अगर बात करें क्लास 10 की दोस्तों, तो क्लास 10 का जो एग्ज़ाम हुआ है तकरीबन 45 दिन से भी ज़्यादा हो चुका है हुए। तो ऐसे में अगर इस न्यूज़ को माने कि जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है कि जो रिज़ल्ट है उसकी प्रक्रिया पूरी होने में 45 दिन लगता है, तो क्लास 10 का एग्ज़ाम हुए दोस्तों 45 दिन से भी ज़्यादा हो चुका है। तो ऐसे में आप तैयार रहिए क्योंकि जो रिज़ल्ट है 45 दिन के हिसाब से कभी भी आ सकता है। और दोस्तों अगर क्लास 12 की बात करें तो 15 जून को कंप्लीट हुआ है क्लास 12 का एग्जाम। और दोस्तों 15 जून से 15 जुलाई और तकरीबन आज 18 जुलाई हो चुकी है, तो दोस्तों 45 दिन इसका भी पूरा होने वाला है, इसका भी कुछ दिन बचा है, ये भी 45 दिन हो जाएगा और 45 दिन से ज़्यादा हो चुका है क्लास 10 का एग्ज़ाम हुए। अब दोस्तों देखना ये है कि जो रिज़ल्ट है वो कब तक आ रहा है। और दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि जो रिज़ल्ट है वो अपने टाइम पर आएगा, और ये टाइम क्या है अभी तक इसके बारे में कोई भी क्लियर कट कोई भी न्यूज़ नहीं आई है, न किसी स्कूल की तरफ से कोई पता चल रहा है और ना ही कोई CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर कोई अपडेट आई है कि जो रिज़ल्ट है वो किस तारीख को आ रहा है। लेकिन दोस्तों आप तैयार रहें अपने एडमिट कार्ड को लेकर कि कभी भी रिज़ल्ट आ सकता है। और दोस्तों खास तौर से जो फेक न्यूज़ है उनसे आप बिल्कुल भी बचें, और ऑथेंटिक न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।